मेरे भाइयों बेहतरीन इलाज है सिर्फ पानी से, सिर्फ पानी से अपनी कब्ज और अपने बवासीर का इलाज करना सीखो। मेरे भाइयों ये पानी पीना आपको 80 बीमारियों से बचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ पानी को इंतहाई सबर के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ, आराम के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, इत्मीनान के साथ पियो। इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं मेरे भाइयों? जितने सबर के साथ छोटे छोटे घूंट भरोगे उतना ज्यादा सलाइवा आपके अंदर जाएगा। ये जो आपका सलाइवा है ये अल्कलाइन है, बॉडी में जितनी सिक्रीशन है वो एसिडिक है। अल्कली जब एसिड से मिलती है मेरे भाई उसको न्यूट्रल करती है। कब्ज का बेहतरीन इलाज है पानी को चूस चूस के पियो। पानी को कैसे चूस चूस के पीना है अभी आपको पी के दिखाता हूँ। मेरे घूंट गिनिएगा मैं कितने सिप लेता हूँ। पानी कितना पिया? घूंट कितने लिए होंगे? किसने गिने? 45। किसी और ने गिने? मेरे भाइयों मैंने 43 घूंट भरे और पानी कितना लिया? इसको सिंपल समझो, जब हम पानी निगलते हैं तो हमारे यहाँ पे दो सलिवरी ग्लैंड हैं जिससे सलाइवा आता है। जैसे जैसे पानी अंदर जाता है वो सलाइवा उसके साथ जाता है। ये जो आपका थूक है, कभी आपने जानवरों को देखा उनको जख्म हो जाए तो जानवर क्या करते हैं? अपने जख्म पे क्या करते हैं? उसको चाटते हैं। मेरे भाइयों ये जो थूक है ये सलाइवा है और ये सलाइवा आपके बदन की जितनी बीमारियां हैं उसका बेहतरीन इलाज है। आपकी कब्ज को खत्म करने के लिए, आपकी बवासीर को खत्म करने के लिए, आपके जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए, आपके मोटापे को खत्म करने के लिए, आपके एस्थमे को खत्म करने के लिए, आपके आर्थराइटिस को खत्म करने के लिए, आपके रूमाटॉइड आर्थराइटिस को, ऑस्टियोमलेशिया आर्थराइटिस को, आपके गाउट को जिसको गेंठिया कहते हैं उसको खत्म करने के लिए ये आपका थूक है। मेरे भाइयों एक नवाले को 32 बार चबाओ। ये जो नवाला 32 बार चबाओगे उससे क्या होगा? आपका थूक आपके अंदर जाएगा। जितना थूक आपके अंदर जाएगा उतना ज्यादा आपके अंदर का जो एसिड है, जो तेजाब है वो उतना कम होगा। ये जितना कम होगा आपका जिस्म उतना ही हल्का फुल्का होगा। कब्ज का इलाज दवाइयों से ना करो। एक बार सिर्फ एक बार 10 से 15 दिन पानी ऐसे चुस्कियों में पियो। देखो मैंने इतना पानी पिया कितने घूंट में? 43। इतना पानी लोग कैसे पीते हैं? इसमें गिनिएगा घूंट कितने हैं। कितने घूंट हुए मेरे भाइयों बताओ? सलाइवा कितना जाएगा? 4 कतरे। और उसमें कितने कतरे जाएगा? इसको एक और बात से समझो, तेजी का काम किसका है? और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह। इसको एक और अंदाज से समझो मेरे भाइयों, जो बंदा जिस जानवर की तरह पानी पीता है वो वैसा ही बन जाता है। मैंने पहले पानी पिया, इतना सा पानी कितने घूंट में पिया? वो पानी पीती है चिड़िया। जब आप पानी पियोगे चिड़िया की तरह तो आप बन जाओगे चिड़िया जैसा। और जो बाद में पानी पिया ऐसे पानी पीता है बैल, गाय, ऊंट, गेंदा, जराफा, जो डीक लगा के पिएगा उसका बदन कैसा होगा? इसको समझो। इब्ने खल्दून ने तारीख इब्ने खल्दून लिखी, उसके मुकदमे में लिखा जो बंदा जैसे खाता और पीता है वो वैसा ही बन जाता है। उन्होंने लिखा अफ्रीका के लोग बंदरों के साथ रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर उछलने की, कूदने की, चीखने की, चलाने की, शोर मचाने की आदत है। अरब के लोग ऊंटों में रहते हैं, इसीलिए वो अक्कड़ मिजाज हैं।
ترخ مزاج ہیں، سخت مزاج ہیں، کرخت مزاج ہیں، اور میرے بھائیوں نے لکھا ترک کے لوگ گھوڑوں میں رہتے ہیں اسی لیے وہ جنگجو ہیں۔ میرے بھائیوں جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے میرے بھائیوں اس کا بدن بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔